हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ हीरो एक्सट्रीम 125R 2024 मॉडल का। यहाँ पर आपको नए फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, इसकी प्राइस क्या रहती है और बाइक कैसी है, आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमेशा की तरह अपन बात करेंगे लुक्स की। सबसे पहले लुक्स की ही बात की जाती है। तो यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 125R 125 सीसी में TVS रेडर और NS125 को कंपटीशन देती है। उन दोनों के कंपैरिजन में इसका लुक ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। यहाँ पर आप LED इंडिकेटर देख सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सामने आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाएगी जो कि LED में है। इसके नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और यहाँ पर आपको Z900 या फिर Z1000 कावासाकी का याद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिज़ाइन Z900 और कावासाकी Z100 जैसा, मतलब Z100 नहीं यार, कावासाकी Z1000 जैसा आपको डिज़ाइन मिलता है फ्रंट की हेडलाइट का। नीचे आपको बॉडी कलर्ड मारगार्ड मिलेगा जो कि ब्लू कलर में है। पहले हमने इस कलर का वीडियो अपलोड किया था लेकिन अब ब्लू कलर का वीडियो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन मिलता है इसके मारगार्ड के ऊपर। यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग मिलती है। ये ABS मॉडल है, नॉर्मल मॉडल उधर खड़ा है। और यहाँ पर आपको 125R की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर आपको कौल देखने को मिलता है जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर 125cc बाइक। बाकी डुअल कलर कॉम्बिनेशन में टैंक मिलता है और यहाँ पर एक्सट्रीम का 3D में एम्बलम मिलता है और एक्स ब्लू कलर में मिलता है आपको। टैंक को ऊपर से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव लगता है। उसके ऊपर आपको टैंक कैप भी अच्छा मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। E20 की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको और यहाँ पर बारकोड मिलता है हीरो के एप्लीकेशन का। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो किक मिल जाता है आपको जो कि TVS रेडर में नहीं आता। बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस है और यहाँ पर आपको साइलेंसर मिलेगा जो कि करिश्मा वाले डिज़ाइन में है। इसके अलॉय व्हील को भी देखते हैं तो आपको करिश्मा वाले अलॉय व्हील याद आने वाले हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन करिश्मा XMR जैसे अलॉय व्हील वाला है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको टायर हगर मिलता है, फिलहाल इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया। अगर आप ये बाइक खरीदते हैं तो आपको पीछे टायर हगर मिलेगा जो कि अच्छा लगेगा और कीचड़ से बचाएगा। बाकी ये बिना टायर हगर के भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, स्पोर्टी लगती है। पीछे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है और ये टेल टाइडी मिल जाती है इंडिकेटर्स के साथ। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल भी अच्छी मिलती है हीरो एक्सट्रीम 125R की। हैंडल इधर करके देखेंगे बाइक और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल मिलती है हीरो एक्सट्रीम 125R की। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट का डिज़ाइन ऐसा मिलता है और उधर साइड से भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको डिज़ाइन अच्छा मिलेगा। और साड़ी गार्ड कुछ ऐसे डिज़ाइन में आता है जो कि सबसे अलग है। और यहाँ पर ओपन चेन मिलती है 125cc में, थोड़ा रेयर है ये। बाकी आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से 125cc कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है हीरो एक्सट्रीम 125R। बाकी अब चलते हैं इसके मीटर की तरफ। सो गाइज यहाँ पर आपको हीरो देता है फुल्ली डिजिटल मीटर जो कि कुछ ऐसा आता है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर। और यहाँ पर क्लॉक आता है, इसके नीचे आपको न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट, क्योंकि ये ABS मॉडल है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम लाइट मिलती है, इंडिकेटर लाइट मिल जाती है और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आएगा यार इसके अंदर, देख सकते हैं आप। साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन मिल जाता है। ब्लूटूथ के थ्रू आप मोबाइल की बैटरी देख सकते हैं, कॉल एंड SMS अलर्ट्स बताता है इसके अंदर। और टैकोमीटर यहाँ आता है, 9000 RPM पर रेड लाइन है, हीरो की ब्रांडिंग मिलती है आपको, सिलेक्ट एंड मेन्यू बटन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको फीचर्स अच्छे खासे मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको हीरो देता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, टूरिंग करते टाइम ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आपको। और चाबी की बात करूँ, अरे खुल जा भाई, तो भाई चाबी कुछ ऐसी मिलती है, होंडा वालों कुछ तो सीखो इससे, चाबी इतनी बढ़िया देना चाहिए होंडा वालों को भी। बाकी हीरो अच्छी चाबी देता है इसकी। स्विच गियर्स की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिलती है स्विच गियर्स में 125cc की। राइट साइड में इंजन ग्रिल स्विच, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन, और लेफ्ट साइड में आपको पीछे पासिंग स्विच मिलेगा। ये है लो बीम हाई बीम बटन, ये है हैजर्ड लाइट स्विच, इसकी मदद से मैं चारों इंडिकेटर ऑन कर रहा था इस बाइक के। बाकी हैजर्ड लाइट के नीचे आपको इंडिकेटर वाला बटन मिल जाता है और इसके नीचे हॉर्न मिलता है, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है एक्सट्रीम का। और यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी बटन्स की बहुत ही बढ़िया मिलती है एक्सट्रीम के अंदर। बाकी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल्स की, तो यहाँ पर कंपनी देती है ऑल LED सेटअप। आपको हेडलाइट बहुत ही बढ़िया मिलती है इसके अंदर जो कि है LED प्रोजेक्टर्स।
इसके अंदर आपको अच्छा खासा इल्यूमिनेशन मिलेगा और यहाँ पर आपको कमी नहीं मिलती इसके हेडलाइट में, जो कि आपको दूसरे बाइक्स में मिलती है। परफेक्ट हेडलाइट है 125 सीसी के हिसाब से। साथ ही साथ इंडिकेटर भी आपको टॉप नॉच मिलते हैं, जो कि है LED और फ्लेक्सिबल भी हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। तो यहाँ पर LED इंडिकेटर बढ़िया मिलते हैं एक्सट्रीम 125R के अंदर। और रियर की बात करूँ तो रियर में आपको LED टेललाइट मिल जाती है, जो कि कुछ ऐसा डिज़ाइन के साथ है। तो यहाँ पर आपको टेल लाइट भी अच्छी मिलेगी, इंडिकेटर्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, जो कि 125 सीसी में सबसे बढ़िया रहते हैं। बाकी अपन बात करेंगे टायर्स की, तो यहाँ पर आपको टायर्स भी बेस्ट इन क्लास मिलते हैं। यहाँ पर कंपनी देती है 90-90-17 का फ्रंट टायर और 17 इंच का अलॉय व्हील, जो कि 125 सीसी में सबसे ज़्यादा मोटे हैं। और पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी देती है 120 सेक्शन का टायर, 120-80-17 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर आपको 125 सीसी के सबसे ज़्यादा मोटे टायर इस बाइक के अंदर मिलते हैं और ये ट्यूबलेस टायर्स हैं। इसकी वजह से लुक बढ़िया आता है, कॉर्नरिंग भी अच्छी मिल जाती है आपको। और बात करेंगे अपन ब्रेक्स की, तो यहाँ पर कंपनी देती है बेस्ट 125 सीसी वाले ब्रेक्स, जो कि हैं ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और इसका जो डिस्क ब्रेक है वो भी आपको अच्छा बड़ा मिलता है, जो कि है 276 mm का, एज़ कम्पेयर टू NS, एज़ कम्पेयर टू TVS रेडर। ये बाइक के ब्रेक्स ज़्यादा एडवांस्ड हैं और ABS के साथ आते हैं। पीछे आपको डिस्क नहीं मिलेगा, पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। लेकिन अगर अपन ABS की बात करें तो 125 सीसी में सिर्फ हीरो ब्रांड आपको ABS ऑफर करता है एक्सट्रीम के अंदर, बाकी दूसरी कंपनी ABS ऑफर नहीं करती। तो सेफ्टी का ध्यान इसके अंदर अच्छा खासा दिया गया है। और बात करेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की, तो यहाँ पर कंपनी देती है अच्छे मोटे सस्पेंशंस, जो कि आपको हीरो एक्सट्रीम 160R2V में मिलते थे। मतलब 160 सीसी वाले आपको सस्पेंशन इसके अंदर मिलते हैं और 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक मिलता है फ्रंट में, और पीछे मिलता है आपको मोनोशॉक। 125 सीसी के बेस्ट सस्पेंशन भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि इतने ज़्यादा मोटे सस्पेंशन आपको 125 सीसी में नहीं मिलते, सिर्फ एक्सट्रीम में मिलेंगे। अब चलेंगे सीधा इंजन की तरफ, तो यहाँ पर आपको इंजन भी अच्छा मिलता है, इंजन में भी कोई कमी नहीं रखी हीरो ने। यहाँ मिलता है आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वेल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और यहाँ मैक्सिमम पावर मिलती है 11.55 BHP की, और मैक्स टॉर्क मिलता है 10.5 न्यूटन मीटर का विथ 5-स्पीड गियर बॉक्स। इसके अंदर आपको गियर बॉक्स अच्छा मिलेगा और इसके अंदर किक मिलता है आपको। 125 सीसी के रेडर में आपको किक नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको किक मिलता है, कभी कभार इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर किक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है बाइक को स्टार्ट करने में, कभी बैटरी ख़राब हो गई तो ये बहुत ही काम में आता है। और माइलेज की बात करें तो भाई इसका जैसा लुक है उस हिसाब से माइलेज नहीं मिलता आपको, क्योंकि लुक जो है स्पोर्ट्स बाइक का है, लेकिन माइलेज यहाँ पर आपको कम्यूटर बाइक वाला मिलेगा, जो कि है 66 KMPL का। अगर अपन दूसरे बाइक से कंपेयर करें, TVS रेडर, NS125, पल्सर 125, तो इसका माइलेज सबसे ऊपर रहता है। और हीरो कंपनी अपने माइलेज के लिए जानी जाती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, तो भाई लुक्स के साथ आपको अच्छा माइलेज भी मिलता है एक्सट्रीम से। बाकी अब चलते हैं सीट्स की तरफ, तो यहाँ पर कंपनी देती है स्प्लिट सीट सेटअप। यहाँ पर आपको राइडर के लिए अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है, पिलियन के लिए भी अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलते हैं, लेकिन अगर अपन दूसरे 125 सीसी बाइक से कंपेयर करते हैं तो ये बाइक फैमिली के लिए उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सीट जो है पीछे वाली ऊपर मिलेगी और नीचे वाली, मतलब जो आगे वाली है, वो थोड़ी नीचे मिलेगी। तो यहाँ पर क्या रहता है, अगर आप लेडीज़ वन साइड बैठाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप फैमिली के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको हीरो में दो मॉडल मिलते हैं, एक है ग्लैमर, दूसरी है सुपर स्प्लेंडर। तो ये दो मॉडल खरीद सकते हैं आप, सेम इंजन के साथ आती हैं ये बाइक, थोड़ी परफॉर्मेंस का डिफरेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अगर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो एक्सट्रीम 125R अच्छे सीट कंफर्ट प्रोवाइड करती है राइडर को। और सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 794 mm की सीट हाइट मिलती है। अगर आपकी हाइट 5'3" या फिर 5'4" है, तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीट हाइट भी परफेक्ट है एक्सट्रीम की। अब चलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ, तो कंपनी देती है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया मिलता है एक्सट्रीम में, तो ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को पसंद आया इस बाइक का। बाकी ओवरऑल वेट की बात करें तो इसका वेट है 136 kg, 136 kg। 125 सीसी के हिसाब से थोड़ा हेवी है, लेकिन अगर अपन पल्सर या फिर NS125 से कंपेयर करें तो उनसे तो हल्का ही आता है और बाइक ज़्यादा हेवी भी महसूस नहीं होती। पल्सर के कंपैरिजन में ये बाइक अच्छी रहती है, क्योंकि इसका वेट पल्सर से कम आता है। और यहाँ टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 10 लीटर की ही टैंक कैपेसिटी मिलती है। मैं उम्मीद कर रहा था 12 लीटर की, लेकिन यहाँ पर कंपनी 10 लीटर की ही टैंक कैपेसिटी देती है। चलो माइलेज के हिसाब से ठीक ठाक है, तो टैंक कैपेसिटी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, नॉर्मल सी कहूँगा मैं टैंक कैपेसिटी।
बाकी आप बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको हीरो ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत मनी साई हीरो उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, और मैं अपनी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है जो कि है 3,000 रुपये का। पहले इसकी ऑन रोड प्राइस थी 1,28,000 रुपये, अब 1,25,000 ये ऑन रोड पड़ती है। 125 सीसी के दूसरे बाइक्स के कंपैरिजन में ये बाइक ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, ज़्यादा फीचर्स लेके आती है, ज़्यादा स्टाइलिश है, और यहाँ पर प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मिलती है विथ सिंगल चैनल ABS। यहाँ पर आपको ABS भी मिलता है जो कि दूसरे 125 सीसी वाले बाइक्स में नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग अच्छी मिलती है एक्सट्रीम 125R की। अब आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं वो डिस्कस करेंगे। तो भाई 1,25,000 रुपये के हिसाब से आपको अच्छा क्या मिलता है, बुरा क्या मिलता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन अच्छाइयों की बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर अच्छाई रहती है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। दूसरी बढ़िया चीज़, इसका फुल्ली डिजिटल मीटर विथ ब्लूटूथ कनेक्शन एंड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। और तीसरी बढ़िया चीज़ है इसका ऑल LED सेटअप, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर, सब कुछ LED। और चौथी बढ़िया चीज़ है इसके मोटे सस्पेंशंस। पांचवी बढ़िया चीज़ सिंगल चैनल ABS। छठी बढ़िया चीज़ मोटे टायर्स जो कि अच्छे मोटे हैं। और अगली बढ़िया चीज़ जो कि सातवीं बढ़िया चीज़ है वो है इसका इंजन जो कि अच्छे खासे पावर निकालता है, पिकअप भी अच्छा है इस बाइक का। और आठवीं बढ़िया चीज़ है इसका माइलेज, अच्छे लुक्स, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है जो कि ग्लैमर या सुपर स्प्लेंडर जैसा है। तो आपको लुक्स भी बढ़िया है और माइलेज भी बढ़िया मिलेगा, और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इस बाइक की। और यहाँ पर फिट एंड फिनिश लेवल्स भी अच्छे मिलते हैं, और यहाँ पर आपको स्टाइलिंग भी अच्छी मिलती है इस बाइक की। तो यहाँ पर आपको 8-10 फायदे मिलते हैं इस बाइक को खरीदते हैं तब, साथ ही साथ किक भी मिलता है जो कि रेडर में नहीं आता। अब नेगेटिव्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को लगता है इसके अंदर सिंगल सीट भी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि भाई इसके अंदर सिंगल पीस सीट चाहिए क्योंकि फैमिली के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल है ये बाइक, लेडीज़ वन साइड नहीं बैठ सकती और पिलन कंफर्ट थोड़ा कम मिलता है। तो भाई वो बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे स्पोर्ट्स बाइक देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकलिटी कम ही मिलेगी। और यहाँ पर दूसरी कमी की बात करूँ तो मेरे को दूसरी कमी लगी टैंक कैपेसिटी की। 10 लीटर तो सफिशिएंट है, लेकिन 11 या फिर 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती तो कंपटीशन में और ज़्यादा आगे रहती एक्सट्रीम 125R। बाकी इसके अंदर चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया मिलती है, सस्पेंशन सेटअप। तो ये दो कमियाँ मिलती हैं आपको एक्सट्रीम 125R खरीदते हैं तब। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो एक्सट्रीम 125R 2024 मॉडल ब्लू कलर का रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।